हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशन करेंगे। क्लास 10 का थर्ड सेकंड या थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और बहुत सारा प्यार मिला है विद इन अ वीक। मोर देन 80 टू 90 स्टूडेंट्स ने मेरे को रिकमेंड किया है, सर आप मेरे को हमें क्या कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की भी वीडियो दे दीजिए। तो मैं आपके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वीडियो भी लेके आया हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर बेटा, तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, पहले तो वही समझने वाली बात है कि लीनियर इक्वेशन, आप लोगों को याद होगा कि अगर पॉलीनोमियल्स आपने पढ़ा है उसमें लीनियर का मतलब क्या होता था कि जिसकी पावर क्या होती थी, वन। पर यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन तो बोला ही बोला है, और साथ में क्या बोला है हमें, टू वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल कितने हो, दो। लीनियर का यार मैंने फिर से बोला हूँ, लीनियर का मतलब क्या है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती थी, वन। जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती थी, वन। जैसे एक्स की पावर वन है तो ये लीनियर पॉलीनोमियल होता था। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है किसमें है, दो वेरिएबल में, टू वेरिएबल्स में। तो सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन ही देखी कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स can be defined or we can say that can be expressed as ax plus by plus c is equal to 0 where a is not equal to 0, b is not equal to 0, c can be a 0. ठीक है, a and b should not be 0. a और b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गई, खुद सोचो 0 हो गई तो अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तो 0 into x 0, x तो हट गया ना बेटा, तो दो वेरिएबल नहीं रहे। तो a is not equal to 0, b is not equal to 0 and where a b c are, या a b c belongs to किसको belong करता है बेटा, r, real numbers को। ठीक है, a b c belongs to r। तो ये छोटी मोटी बात है जो आपको याद रखनी है कि linear equation in two variables can be expressed or defined as an equation। कैसी equation, a x plus b y plus c equals to 0, where a should not equals to 0 and b should not equals to 0। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, अगर a 0 हो गया तो x चला जाएगा, अगर b 0 हो गया तो y चला जाएगा, तो दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल्स हमारे कौन कौन है, x एंड y, ये दो हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, आपको अब यहाँ पे कुछ कुछ बातें याद रखनी है। a क्या है यहाँ पे, एक्चुअली में a हमारा क्या है, कोफिशियंट of x, a क्या है, coefficient of x। similarly b क्या है, coefficient of y, and last and क्या हो गया बेटा, last क्या हो गया हमारे पास, c, c यहाँ पे हमारा क्या है, constant। तो ये बात आपको ये याद रखनी है कि a b, अगर किसी ने बोला coefficient of x तो वो actually a है, coefficient of y वो b है, and constant term क्या है, वो c है। तो ये छोटा, बिल्कुल बहुत ही छोटी चीज में बता दिया मैंने कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आता है तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे लिखते हैं, तो वो क्या लिखा जाएगा, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी डिफाइन एज अ एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो होप आपको इतना भी समझ में आया हो। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने जो करना है, इसके बाद हमने ये समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इसके बाद थोड़ा और डिटेलिंग समझ लेते हैं इसमें कि एक्चुअली में सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। वैसे यहाँ पर नीचे लिखा है बट फिर भी एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो 2x plus 3y equals to, मान लो 4 है, ठीक है, चलो इसको equals to 6 ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये बोला अगर x की वैल्यू 1 हो, ठीक है, x की वैल्यू 1 हो या x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 2 हो,
x की वैल्यू जीरो हो और y की वैल्यू क्या हो टू, x इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल्स टू क्या हो गया टू। तो आप देखो जीरो इंटू टू इंटू जीरो जीरो, थ्री इंटू टू कितना हो गया सिक्स, तो सिक्स हमारा एल एच एल और आर एच एल क्या हो गया सिक्स। तो ये जो पॉइंट आया जीरो कॉमा टू इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को वो क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एनी पेयर ऑफ वैल्यू x, y, यहाँ पे x, y क्या हो गया 0, 2, which satisfy the given equation, जो कि satisfy करे किसी given equation को, किसी given equation यहाँ पे कौन सी थी 2x plus 3y equals to 6, ठीक है, वो equation का क्या बन जाता है solution बन जाता है। और अगर हम ऐसे बोलूं कि ऐसी दो equation भी हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, मान लो यहाँ पे आ गया x plus मान लो 2y, x प्लस टू वाई इक्वल्स टू फोर। तो देखो अब इन दोनों इक्वेशन में, पहली इक्वेशन ये मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, मैं दोबारा यहां लिख देता हूं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इसमें अगर मैं x को जीरो डाल रहा हूं इस वाली इक्वेशन में, 0, 2 यही वाला पॉइंट सेम, x को 0 y को 2, तो 0 प्लस 4, 2 इंटू 2 4, तो 4 आ गया, 4 और 4 बराबर, मतलब ये वाली पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको तो कर ही रहा था, ये हम देख चुके हैं। तो इसका मतलब ये 0, 2 इसको भी, इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है, एक पॉइंट इनफाइनाइट लाइन का सॉल्यूशन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक पॉइंट एक ही लाइन का सॉल्यूशन होगा, नहीं, एक पॉइंट इनफाइनाइट लाइन का सॉल्यूशन हो सकता है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने सिर्फ वो वैल्यूज डाली एक्स की और वाई की ताकि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अगर सेटिस्फाई नहीं होती, मान लो x प्लस टू वाई जो दे रखा है इक्वल टू 4, मैंने यहाँ पे x को भी 1 डाल दिया और y को भी 1 डाल दिया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ठीक है, तो अगर 1 डाला तो 1 प्लस 2 आया इक्वल टू 4, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं आए। तो मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब 1, 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो हमें ये याद रखना है सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वो पॉइंट या वो हमारे कोऑर्डिनेट्स जिसकी जो वैल्यूज हैं हमारी क्या होंगी सेटिस्फाई करेंगी किसको, एक इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को। अगर वो सेटिस्फाई करती हैं तो वो सॉल्यूशन है, अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो वो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अब जो हम करने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो आप लोगों ने नाइन्थ में एक इक्वेशन तो पढ़ी है, जैसे एक बार नाइन्थ का भी रिवाइज कर लेते हैं तो थोड़ा क्विक रिवीजन से आपको कुछ समझ में भी आ जाएगा। जैसे अगर आपने नाइन्थ में ये करा था 2x मान लो 3y इक्वल्स टू 6, ये मैंने इक्वेशन ले ली, ठीक है, इस इक्वेशन को आपने ग्राफ पे बनाना सीखा था, कैसे, आपने इसको यहाँ पे xy लेते थे, एक बार x को 0 डाला, पुट x इक्वल्स टू 0, मान लो x को 0 डाला किस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में फर्स्ट में, ठीक है, x को 0 डाला तो दिख रहा है 2 इंटू 0 प्लस 3 y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 बाय 3 आ गया, ये 3 यहाँ डिवाइड में चला गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अगर x 0 है y की वैल्यू 2 आती थी, फिर y को एक बार 0 डाला, सेम प्रोसेस से बेटा, y को 0 डाला x की वैल्यू कितनी आ गई 3, मान लो मैंने x को या y को मान लो मैंने यहाँ पे माइनस 2 रख दिया, तो माइनस 2 रखा तो 3 इंटू माइनस 2 कितना हो गया माइनस 6, माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा तो 12 हो गया, 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो ऐसे हम तीन पॉइंट्स मिनिमम निकालते थे, ऑल दो हमारा 2 से काम चल जाता है, बट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, हम हमेशा क्या कहते हैं तीन इक्वेशन या तीन सोल्यूशन निकालते हैं। इसका फिर हम लास्ट ईयर तक ग्राफ बनाते थे, कुछ हम प्लॉटिंग करते थे, जैसे x 0 है तो y की वैल्यू मान लो 2 है, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, फिर x की वैल्यू 3 है, y 0 है, तो ये पॉइंट आ गए, ये पॉइंट आ गया, इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये हम लास्ट ईयर तक करते थे। इस साल सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो पेयर का मतलब दो, तो अब उसको समझते हैं। ठीक है, पेयर का मतलब क्या है, दो है, तो उसके लिए आप देखो ध्यान से, यहाँ पे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 equals to 0. सिमिलरली दूसरी इक्वेशन है a2x plus b2y
प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और फिर हम पता करेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन कैसे आते हैं। मतलब आप ये ग्राफ पे अभी जब मैंने समझाया कि अगर मान लो एक लाइन ऐसे आई और मान लो दूसरी लाइन ऐसे आई, तो देखो ये दोनों लाइन कैसे आई, इंटरसेक्टिंग आई, मतलब दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। ऐसी बहुत कुछ आ सकता है, इंटरसेक्टिंग आ सकती है, हमारे पास पैरेलल आ सकती है, और हमारे पास हो सकता है लाइन एक के ऊपर एक हो, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस हो, तो उसी को हमने समझना है। ठीक है, तो पहला हमने समझा कि लाइन में क्या क्या इंटरसेक्टिंग कब होता है, ठीक है, और हमारे पास क्या कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन होते हैं वो कब आते हैं, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तब कब आते, वो कब आते हैं, पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा कि अगर ऐसी दो लाइंस हैं तो हमारी लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग है, अगर क्या है इंटरसेक्टिंग है, तो ऐसा कब होगा, या व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग। ठीक है बेटा, कंडीशन बतानी है हमें कि कब ऐसी कंडीशन आएगी कि दो लाइंस हमारी क्या हो, इंटरसेक्टिंग। तो आपको ये याद रखना है कि a1 upon a2 क्या था, x का कोफिशियंट पहली इक्वेशन में, a2 क्या है x का ही कोफिशियंट दूसरी इक्वेशन में, तो इन दोनों का डिवीजन इक्वल्स टू b1 upon b2। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इंटरसेक्टिंग के लिए ये दोनों बराबर नहीं होंगे, मतलब a1 upon a2 should not be equal to b1 upon b2। अगर मेरे को बोलता है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उनकी खासियत क्या है, उनकी खासियत ये होंगी कि दोनों लाइंस के x का कोफिशियंट उनका रेशियो, y के कोफिशियंट उनका रेशियो, दोनों के कोफिशियंट्स का रेशियो, दोनों के कोफिशियंट्स का रेशियो बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस एज्यूम टू इक्वेशंस x + 3y = 7 एंड 2x + 4y = 11। लेट अस सपोज हियर क्या हो गया, यहां पे कोफिशियंट कितना है 1, तो रेशियो क्या आया 1/2, a1/a2, ये a1/a2 है। ठीक है, किसके बराबर आ रहा है 1/2, b1/b2 किसके बराबर आ रहा है 3/4, सो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, हेंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। फ्रॉम दिस कंडीशन वी कैन से दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, फ्रॉम दिस कंडीशन वी कैन से दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मीन्स दे विल कट ईच अदर एट अ पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन फॉर बोथ द बोथ लाइन्स, दोनों ही लाइन के लिए ये वाला पॉइंट जो है जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब वो इस लाइन L1 को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन L2 को भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब अभी मैंने समझाया है, सॉल्यूशन का मतलब समझाया है कि ये जैसे अभी मैंने समझाया था पीछे क्वेश्चन किया था कि x + 2y = 4 और 2x + 3y = 6 इन दोनों का ही सॉल्यूशन 0.2 था, तो मतलब ये एक्चुअली जो पॉइंट है 0.2 इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो वही बात मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि इज अ सॉल्यूशन फॉर बोथ दी लाइंस, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन एक ही है, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, नो अदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दीज लाइन, मतलब इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा, तभी इसको बोला जाता है यूनिक, क्योंकि ये एक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर मैं करता हूं, इसके बाद नेक्स्ट मैं कहता हूं वही सेम दो लाइंस हैं,
a1x plus b1y plus c1 equals to 0. Similarly, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. ये equation 1, ये equation 2, ये line 1, मान लो line 2. तो ऐसे cases में क्या होगा? देखो, second case, line अगर parallel है, parallel lines, ठीक है? तो condition क्या होगी? तो हमने लिखा a1 upon a2, किसके बराबर होगा? b1 upon b2 के. और क्या होगा? Not equal to c1 upon c2. ये कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है कि ऐसा होता ही होता है. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 and vice versa. Vice versa का मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया, गिवन है, मान लो k x plus y plus 7 equals to 0 और यहाँ पे 2x plus 3y plus 12 equals to 0 ऐसा बोला हुआ है और आपको इन दोनों इक्वेशन के बारे में बोला हुआ है कि लाइंस पैरेलल है. क्वेश्चंस अभी हम करेंगे बट अभी समझाने के लिए. पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का रेशियो k upon 2 should not be sorry पैरेलल बोला है तो should be equal to कितना होना चाहिए 1 upon 3 यहां 1 है और यहां 3 है और not equal to 7/12 रेशियो 7/12 के बराबर नहीं होना चाहिए. तो यहां से देखो k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई 2/3. तो vice versa का कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी ने बोला lines parallel हैं तो हम कहेंगे कि a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. किसी ने बोला ऐसा given है a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 equals not equal to c1 upon c2, फिर से a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, तो हम ये बोल सकते हैं ऐसी condition आ रही है तो मतलब lines क्या है हमारी parallel. Parallel है तो ये condition है, ये condition दे रही है तो हम कह सकते हैं parallel. तो vice versa. Last case का मतलब क्या हो गया, फिर से वही lines है a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, वही lines है बेटा, ठीक है. Third case में क्या है, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, मतलब ये सारे ही बराबर होने चाहिए, सारे ही रेशियोस क्या होने चाहिए इक्वल. ऐसे केस में क्या होगा, लाइंस एक के ऊपर एक होंगी, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस मतलब लाइंस क्या है एक के ऊपर एक. चलो मैं आपको दूसरे पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. मान लो यही लाइन के ऊपर एक और लाइन आ गई, ये तो ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ गई, ठीक है. तो ऐसे केसेस में जो हमारा सॉल्यूशन है, इसमें आप खुद देखो सॉल्यूशन की बात कर रहा है. सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों लाइंस में सेम हो, ठीक है. तो यहां पे आप देखो ये तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए ना बेटा. अगर ये वाली लाइन इसी लाइन के ऊपर आ रही है तो इसका मतलब ये बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, ये बहुत सारे पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. वेयर एज पिछले क्वेश्चन में या पिछले आप केस देखो पैरेलल लाइंस में, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, वो तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, वो तो पैरेलल ही चलती जाएंगी. ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये तो ऐसे ही चलती जाएंगी कभी भी मीट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं है. तो यहां पे क्या आ गया, नो सॉल्यूशन. ये हो गया नो सॉल्यूशन. यहां पे क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक है तो यहां पे क्या आ गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इसी को आप समराइज कर लेते हैं बिल्कुल कि क्या-क्या हमने पढ़ा और क्या-क्या इसके बारे में हमें बताया गया. तो दो लाइंस ली हमने, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, दूसरी a2x plus b2y plus c2 equals to 0. ये लाइन 1, ये लाइन 2, ठीक है. केस वन, केस टू एंड केस थ्री. तो केस वन के लिए मैंने क्या बोला, केस वन के लिए मैंने बोला कि लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग. तो हमने बोला इंटरसेक्टिंग,
एंड वाइस वर्सा है कंडीशन, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या है, ए वन अपॉन ए टू शुड नॉट बी इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ए वन अपॉन ए टू का रेशियो बी वन अपॉन बी टू के बराबर नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, इसके लिए मैंने बोला लाइंस कैसे आएंगे, डायग्राम अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने जो नाम दिया, क्या नाम दिया, यूनिक सॉल्यूशन नाम दिया, ये एक यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कैसा पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, और ये दोनों ही लाइंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और एक चीज और होती है इसमें बेटा, सिस्टम के बारे में बात करता है, सिस्टम के बारे में बात करने का मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसमें सॉल्यूशन हो, फिर से ऐसा सिस्टम जिसमें सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन अगर है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, कंसिस्टेंट का मतलब जिसमें सॉल्यूशन है, फिर से यूनिक सॉल्यूशन है मतलब एक सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन है तो मतलब ये कंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। सिमिलरली अभी मैं थर्ड केस पहले कर रहा हूं, इसमें मैं बोल रहा हूं लाइंस कैसी हैं, एक के ऊपर एक, तो को इंसिडेंट लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक। इसमें कंडीशन आई ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, तो आपस में तीनों क्या है, इक्वल है। लाइंस कैसे होंगी, मैंने अभी बताया पीछे भी, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक के ऊपर एक, ये दूसरी लाइन यहाँ पे, अभी सारे के एग्जाम्पल्स हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर ये एक के ऊपर एक हो गई, ठीक है। अब हम इसमें अगर बोलें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। इसको भी मैं कंसिस्टेंट सिस्टम बोलता हूं, पर कई बुक्स में इसको डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी बोला गया है, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं सीबीएसई के बोर्ड्स के एग्जाम में, तो ये भी आप ध्यान रखोगे, आजकल 20 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले आ रहे हैं, तो ये लेटेस्ट पैटर्न में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम कौन से होते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा जो हमारे पास आ रहा है केस टू, तो लाइन्स कैसी है, पैरेलल लाइन्स, ठीक है, पैरेलल को रिप्रेजेंट किया गया दो पैरेलल लाइन्स से। अब आपको मैंने बताया इसमें क्या है कंडीशन, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के तो बराबर है, पर C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है, इन दोनों का रेशो आपस में इक्वल है पर C1 C2 के बराबर नहीं है, तो लाइंस इसमें कैसे आ गई, पैरेलल्स। सॉल्यूशन क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, और सिस्टम कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे बेटा, ये मेरा बेसिक अभी पहले लीनियर का बिल्कुल बेसिक मैंने आपको समझा है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे से कर लो बेटा, ठीक है, चलो बाय बाय।